So earlier we have discussed superposition. No. Actually, this video has been made, but somehow it has not been uploaded in the YouTube. So again, I am going to teach you the same topic, the superposition of wave. Superposition of वे हालांकि जब मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था और मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन बताई थी तो वहां इस पर डिस्कशन है, फिर भी इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब ये होता है कि इफ टू और मोर देन टू वेव्स आर मीटिंग एट एनी पॉइंट देन मान लो हमारे पास कई वेव्स हैं, देयर आर मेनी वेव्स, दिस इज आवर वेव नंबर y1, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज y2 एंड दिस इज अनदर वेव y3 एंड दिस इज अनदर वेव yn। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, देखो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो हमें इनकी क्या है y1 इसकी y2 इसकी yn इसकी y3, लेकिन इस पॉइंट टू पे जब ये मिलेंगे तो आपको मालूम है किसी का क्रस्ट किसी के ट्रफ पे पड़ सकता है, किसी का ट्रफ किसी के क्रस्ट पे पड़ सकता है, किसी का आधा क्रस्ट किसी के आधे क्रस्ट पे और आधा ट्रफ आधे ट्रफ पे पड़ सकता है। इस तरीके से चार वेव्स मिल सकती हैं। तो एक सिंपल जो है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसके लिए, या आप कह रहे हैं कि एक सिंपल जो है अप्रोच है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए, और वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट व्हेन वेयर टू और मोर देन टू वेव्स आर मीटिंग इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स मीटिंग एट दैट पॉइंट y2 y3 प्लस yn। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू और मोर देन टू वेव्स आर मीटिंग एट दैट पॉइंट ओ, यहां वो पॉइंट कौन है ओ, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज वेव्स। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, यानी इफ टू और मोर देन टू वेव्स individual displacements of these waves. ठीक है, जिसको हमने यहां लिखवा दिया, these
at the point O, then according to principle of superposition, the resultant displacement, that is y is the resultant displacement, is equal to y1 plus vector y2 plus y3 and y1 vector. If हम इसलिए ले रहे हैं कि हो सकता है ट्रफ का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो क्रस्ट का नेगेटिव होगा, या क्रस्ट का नेगेटिव होगा तो ट्रफ का पॉजिटिव होगा, तो वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स. तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई. अब आगे इसी का यूज हमने किया था आपको ये बताने के लिए. क्या बताने के लिए? इसका यूज हमने आपको बताने के लिए किया था इंटरफेरेंस के लिए. तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरेंस क्या है, वो क्या जरूरी कंडीशन है इंटरफेरेंस के लिए. तो देखो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है, इसका हमने डिस्कशन किया हुआ है, फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं. इंटरफेरेंस भी क्या है? सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. तो इंटरफेरेंस इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. Yes, interference is the superposition of two waves which are produced by coherent source. Yes, here I'm telling you interference is the superposition of two waves and redistribution of energy in the form of maxima and minima when two waves coming from two different coherent sources having same frequency, same phase difference या constant phase difference या same path difference या constant path difference, इससे क्या होता था? Interference होता था. तो interference में देखो हमने आपको बताया for interference हम short ये पूरा अगले वीडियो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं. for interference के बारे में बताया था. क्या होता है interference? जो है इंटरफेरेंस भी क्या है, एक तरह का इंटरफेरेंस जो है वो इंटरफेरेंस क्या है? सुपरपोजिशन. इंटरफेरेंस क्या है? सुपरपोजिशन. ये भी सुपरपोजिशन है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूस बाय coherent sources पे डिस्कशन हमें करना है. coherent sources produced by coherent sources bracket में रखिएगा, superposition of two waves and redistribution of energy in the form of maxima, जिसको आप bright fringe कहते हैं, and minima, जिसको आप dark fringe कहते हैं. इसके बारे में इस पर discussion हमने किया था. ये तो interference है, वो superposition है दो waves का. लेकिन आम तौर पे जो superposition होता है, मान लो दो waves कोई भी आके मिल रहे हैं, एक wave आ रहा है, एक wave आ रहा है. इसका y1 है और इसका ये y2 है, तो आप सीधे लिखते हो कि resultant y will be equal to y1 plus y2, ठीक है? ये हो जाता है ना, सिंपल सिंपल पोजीशन में. लेकिन अगर सोर्स जो है, जैसे यहां क्या है, y1 का जो डिस्प्लेसमेंट होगा आप ऐसे लिख सकते हो, y1 is equal to a1 sin omega on t, और इसको आप लिख सकते हो a2 sin ओमेगा 2t. इसमें देखो फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम है, सॉरी डिफरेंट है. तो हम ये क्या कहेंगे कि नॉन कोहेरेंट सोर्सेस से प्रोड्यूस हुए हैं या नॉन कोहेरेंट वेव्स हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है? तो यहां देखोगे सिंस ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, सो
सोर्सेस आर सोर्सेस या जो वेव्स हैं, सोर्सेस का मतलब इनसे ही प्रोड्यूस हुई है लाइट, जो सोर्स होगा बल्ब या जो भी है आपका लाइट सोर्स, तो सोर्सेस या वेव जो है वो क्या होगा, इनकोहेरेंट नॉन कोहेरेंट नॉन कोहेरेंट। और याद रखिएगा नॉन कोहेरेंट वेव्स या सोर्सेस कभी भी इंटरफेरेंस नहीं प्रोड्यूस करते, सुपरपोजिशन तो ये प्रोड्यूस करेगा, सुपरपोजिशन होगा ही, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वाई, लेकिन इस कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो आपको सो द सरफेस या वेव इज नॉन कोहेरेंट एंड इंटरफेरेंस विल नॉट ओके। ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोर्सेस इनकोहेरेंट है नॉन कोहेरेंट है, क्यों है नॉन कोहेरेंट, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, समझ पाए। तो इंटरफेरेंस के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि सोर्स जो हो लाइट का कोहेरेंट हो। तो सबसे पहले हम कोहेरेंट सोर्स जान लें क्या होता है, इंटरफेरेंस के बारे में आगे मैं आपको बहुत विस्तृत रूप से बताया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इनकोहेरेंट सॉरी कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में आप पढ़ेंगे। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स था लाइट, जब एक मतलब कोहेरेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू, कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। देखो लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था, क्या था लाइट कैसे पैदा होता है, व्हेन एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फॉर्म ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है, विजिबल लाइट, यानी जब भी कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल से जंप करके कहां आता है n इक्वल टू 2 पे, तो हमें बामर रेंज मिलती है, बामर रेंज यानी विजिबल रेंज। तो देखो जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, जैसे तुम जैसे तुम्हारा मिट्टी का तेल है या जैसे तुम्हारी इंकैंडेसेंट लाइट्स होती हैं जो बल्ब है या ये नियॉन लाइट है, ट्यूबलाइट है और जो CFL है, इसमें होता क्या है, आप किसी तरह से क्या करते हैं एनर्जी देते हैं इसको, यहाँ जो वेपर्स हैं जो वेपर भरा हुआ है उसको एनर्जी देते हैं ताकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएं और उसके बाद वहाँ से जब अपने ग्राउंड लेवल पे आए तो विजिबल लाइट इमिट करना शुरू कर दें। तो केवल क्या ऐसा थोड़े होता है कि जब आप एनर्जी देंगे तो किसी एक ही आइटम को मिलेगा, व्हेन यू आर गिविंग द एनर्जी बिलियंस ऑफ एटम्स आर गेटिंग द एनर्जी एट द सेम टाइम, तो ऐसे बिलियंस ऑफ एटम्स के बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे और व्हाइल जंपिंग टू द ग्राउंड लेवल दे विल इमिट विजिबल लाइट जिसे हम देख सकें। अब इसमें होगा क्या कि जब दो सोर्सेस अलग अलग रखोगे, मान लो एक 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 बत्ती यहां रखी, पहले कोहेरेंट सोर्स के हम डेफिनेशन जान लें, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है, द टू सोर्सेस ऑफ लाइट The two sources of light which
produces light waves having same wavelength होगा तो क्या same frequency होगा तो same wavelength भी होगा क्योंकि क्या है light electromagnetic wave है same frequency और bright ले सकते हैं same wavelength ये बंदा wavelength निकाल रहा है two light waves हैं two sources of light which produces light waves having same frequency, same phase difference, same or constant अभी समझ कर चल रहा है constant phase constant phase difference और पावर डिफरेंस ठीक है तो दो लाइट सोर्सेस को हम कोहेरेंट तभी कहेंगे जब उनके द्वारा जो लाइट वेव प्रोड्यूस की जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो दूसरे सर उन दोनों से जो लाइट वेव निकल रही है उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस है या तो जीरो हो यानी सेम हो अगर पाथ डिफरेंस क्या हो सेम या ये क्या हो पाथ डिफरेंस हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी और जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है ना दोनों के बीच फेज डिफरेंस की बात हो रहा है ना देखते हो अगर हम यहां ये लिखते कांस्टेंट फेज केवल लिखते तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच या तो जीरो यानी दोनों सेम फेज में हो या जो फेज डिफरेंस दोनों के बीच हो वो क्या हो कांस्टेंट हो या पाथ डिफरेंस हो वो क्या हो कांस्टेंट हो ये चीज है इसके कहने का मतलब आप समझिए मान लीजिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स हम ले रहे हैं एक मोमबत्ती ले रहे हैं ये और ठीक इसी के बगल में यहां पर एक मोमबत्ती ले रहे हैं ये ठीक है दोनों सेम मोमबत्तियां हैं ये भी वही मोमबत्ती है सी और ये भी सी ही है अब इससे जो लाइट प्रोड्यूस होगा पहले वाले से मान लो इससे जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है आप जानते हो बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलियंस ऑफ एटम एक साथ एक्साइट होंगे और एक साथ उनके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो यहां से लाइट रेज निकलने शुरू होंगी ठीक है यही प्रोसेस यहां भी होगा अब देखो सबसे पहले दिक्कत दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती है ठीक है उसकी वजह यह है कि पता नहीं कौन से वाला इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है ना मिलियंस ऑफ मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं तो पता नहीं ये वाली लाइट रे कैसे निकली ये वाली लाइट रे हो सकता है 700वें एनर्जी लेवल से जंप करके n is equal to 2 पे आई हो और ये वाली जो लाइट है ये वाली जो लाइट है ये 600 n मतलब n2 is equal to 600 से जंप करके n1 is equal to 2 पे आया और ये जंप करके आया है 7 मतलब n2 is equal to 700 से जंप करके आया n1 is equal to 2 पे तो दोनों के दोनों तो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन आप जानते हो दोनों ही केसेस में वेवलेंथ अलग होंगे यानी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पहली चीज कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट व्हाई बिकॉज व्हाइल प्रोड्यूसिंग द लाइट वेव्स थ्रू द इंडिपेंडेंट सोर्सेस देयर विल बी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दूसरा पाथ डिफरेंस भी होगा पाथ डिफरेंस भी होगा अब ये जो अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये तेज चलेगा इसको यहां पहुंचना है इस स्क्रीन पे पहुंचना है लाइट को अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा है तो ये क्या होगा ये जल्दी पहुंच जाएगा ठीक है
और ये वाला क्या हो जाएगा, बाद में पहुंचेगा, ये अभी यही रह जाएगा, जब तक ये यहाँ पहुंच जाएगा तब तक ये यही रहेगा। दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना आ गया, देखो ये क्या हो गया, ये इतनी दूरी पाथ डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस भी क्रिएट हो गया और ये कॉन्स्टेंट भी नहीं है, समय के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, या तो पाथ डिफरेंस जीरो रहे या समय के साथ, अगर शुरुआत में एक मीटर पाथ डिफरेंस था तो अंत तक पाथ डिफरेंस कितना रहे, एक ही मीटर रहे। एंगल में भी वही है, पाथ डिफरेंस में पाथ डिफरेंस है तो फिर डिफरेंस होगा, क्योंकि आप फार्मूला को जानते हो, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 5। ठीक है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का जो चक्कर है, तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो आप कोहेरेंट सोर्स कैसे पैदा करें, सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए हम इस पर डिस्कशन करते हैं, कोहेरेंट सोर्स कैसे पैदा कर सकते हैं। हाँ, हम इस पे पहले डिस्कशन कर लें कि व्हाई टू कोहेरेंट सोर्सेस कैन नॉट बी, समझ में आपके आ गया होगा, बहुत ही लेवल पे मैंने समझाया आपको। तो व्हाई टू कोहेरेंट सोर्सेस कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, क्वेश्चन आता है व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कांट बी कोहेरेंट। ठीक है, तो इसका आंसर तो हम लिखेंगे तो पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखिए सबसे पहली चीज कि हम जानते हैं कि लाइट इज इमिटेड, इट इज ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो ये पॉसिबल नहीं है, द लाइट इमिटेड बाय इंडिपेंडेंट सोर्सेस सोर्सेस जो कोहेरेंट नाम को इंडिपेंडेंट सोर्सेस हम कह रहे हैं, इज ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ डीएक्साइटेशन का मतलब वही हो गया हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, डीएक्साइटेशन ऑफ बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बिलियंस ऑफ एटम नाउ For two independent sources, at any particular time, it is impossible. It is impossible to obtain two light waves by these two sources having same frequency wavelength, ठीक है, और 0
जीरो आर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस होगी, पाथ डिफरेंस। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ है, अगर दो सोर्सेस हमारे साथ क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जब एक साथ आपके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, और जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होंगे जब जो करेंगे ग्राउंड लेवल पे, तो लाइट तो प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमने बताया ना ये दोनों सी दोनों सेम सोर्सेस हैं, मैंने सोम सारे सेम सोर्सेस का नहीं पता, एक ही सोर्स है लेकिन अलग अलग रखे हुए हैं कुछ दूरी पे। तो यहाँ जो लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, हो सकता है पहली लाइट जो प्रोड्यूस हुई है किसकी वजह से हुई है, वो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई है जो एन टू सब फॉर्म में पे है, मतलब इसका इसका नंबर ऑफ सेल जो है एक्साइटेड स्टेट का वो 700 पे है, और वो जंप होके दो पे आ रहा है और 600 से दो पे आ रहा है। जाहिर सी आप जानते हो दोनों का वेवलेंथ अलग अलग होगा, ठीक है, तो दोनों का वेवलेंथ यही अलग हो गया, तो वैसे ही इनकोहेरेंट हो गए। सबसे पहली बात समझ में आया, तो चलिए ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए, इसको मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को क्रिएट होना ही है, वो कांस्टेंट या सेम नहीं हो सकता है या जीरो नहीं हो सकता है पाथ डिफरेंस। अब आगे की बात करते हैं हम कोहेरेंट सोर्स चूज कैसे करें। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग कोहेरेंट सोर्सेस या कंडीशन, मेथड ऑफ फाइंडिंग फाइंडिंग कोहेरेंट बहुत ही आसान तरीका, वो वैसे आप जानते रहे, मान लीजिए सिंगल सोर्स है लाइट का एस, हमने इसके सामने बहुत छोटे छोटे दो छेद बना दिए, दो स्लिट बना दिए, ये हो गया स्लिट वन और ये हो गया स्लिट टू। तो यहां से जो फ्रंट जब आगे बढ़ेगा, तो जब यहां भी ये इंसिडेंट होगा, तो देखो आगे ये वे फ्रंट इस छेद से गुजर के आगे बढ़ेगा। अब ये एक नया सोर्स हो गया, इसका नाम है S1 और इसका नाम है S2, और क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही वेव के भाग हैं, इसलिए जितनी फ्रीक्वेंसी इसकी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी इस वेव की, या अपनी वेव नंबर 2 हो गई वेव 2 एंड दिस इज वेव 1 नाउ। और क्यों, क्योंकि ये दोनों की पैदाइश कहां से है, इस बड़े वेव से। अगर बड़े वेव की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी भी ओमेगा ही होगी, ठीक। पहली चीज, अगर मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 2 मीटर, इसको यहां से यहां पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी, 2.5 मीटर, ध्यान दीजिएगा। अब आगे पूरे प्रोसेस के दौरान जब ये यहां पहुंचेगा इस वे फ्रंट से, कोई वेवलेट जब यहां पहुंचेगा एक्स पे और यहां से जब कोई पहुंचेगा वाई पे, ठीक है, ये कितनी दूरी तय करेगा, 2 तो पहले कर चुका और ये डिस्टेंस मान लो कितना है 2 मीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी है 2 मीटर। तो देखो जब ये वेव ये आया ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचेगा एक्स पे, इसको टोटल दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 4 मीटर, और इसको कितनी करनी पड़ेगी, 4.5 मीटर। समझ में आया? तो देखो पाथ डिफरेंस पहले में कितना था, 0.5, यहां देखो यहां पाथ डिफरेंस कितना होगा, 2.5 माइनस 2 कितना है 0.5, और यहां भी देखो 4.5 माइनस 4.5, तो
न्यूट्रॉन्स है, सॉरी एक्स तक यहाँ पहुंचा, ये इसी तरीके से अगर यहाँ पहुंचा तो यही मान लो इसी के पैरेलल एक पॉइंट वाई में पहुंचता है, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो 4.5। और सेम पॉइंट पे भी अगर ये पहुंचता इस तरीके से सेंट्रल पॉइंट अगर होता, सॉरी इस तरीके से सेंट्रल पॉइंट एक बना लेते, तो जब ये यहाँ पहुंचता और ये यहाँ पहुंचता तो दोनों 2 मीटर की दूरी तय करके पहुंच रहे हैं। तो ये यहाँ 2 मीटर रिश्ता और 2 मीटर रिश्ता, टोटल दूरी यहाँ 4.5, ये सेंट्रल कोई डिस्टेंस मान लो, तो ये भी कभी 0.5 और मिलता और ये भी क्या मिलता 0.5। तो ओ तक पहुंचने में अगर शुरुआत में बाहर डिफरेंस 0.5 थी तो अंत तक डिस्टेंस कितनी मेंटेन है 0.5। तो पाथ डिफरेंस जो है जिसको आप एक्स कहते हो इज कॉन्स्टेंट, ठीक, पहली चीज ये भी कॉन्स्टेंट हो गई। दूसरी चीज समझो, अगर खुदा ने खास्ता मैं कह रहा हूं कि यहां जो है एंगल में चेंज हो गया, पहले मान लो 20 डिग्री पे था, तो जब ये यहां पहुंचा था तो इसका इनिशियल फेज डिफरेंस जो है या इनिशियल फेज इसका कितना होगा, ये 30 इसका भी होगा 30 इसका भी होगा, लेकिन अगर मान लो यहां किसी तरह फेज तुम चेंज कर दीजिए 60, तो अब इसी वेव से ये जा रहा है ना, तो ये भी चेंज हो गया कितना हो जाएगा 60, ये भी चेंज होकर कितना हो जाएगा 60। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोहेरेंट सोर्स होगा और सिंगल सोर्स हमने लिया हुआ है, सिंगल सोर्स को हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया इनटू टू डिफरेंट सोर्सेस विद द हेल्प ऑफ दीस फाइन स्लिट्स, तो इसमें जितना एंगल चेंज होगा उतना ही एंगल यहां चेंज होगा, पाथ डिफरेंस उससे लेके अंत तक कांस्टेंट ही रहेगा, यानी हमारी सर पूरी हो रही है, ये यहां से जो वेव निकली है आपका W1 और ये जो W2 का, सॉरी ओमेगा 1 और ओमेगा 2, पहली सॉरी दोनों का ये दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी पहली बार तो सेम है क्योंकि ये सेम सोर्स से लिए गए हैं, उसके दो भाग हैं, दूसरा पाथ डिफरेंस भी कांस्टेंट है शुरू से लेके अंत तक और फेज डिफरेंस भी सेम है। अगर इसमें किसी तरह का बदलाव आएगा तो यहाँ जो वेव पहुंचेगी उसमें भी उतने का प्रभाव आएगा, इतने का अगर ये 90 हो जाता तो यहाँ भी ये 90 हो जाता, ये 90 हो जाता। मेरे समझाने का मतलब यही समझिएगा, ये थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो गया, बस आपको यही समझाना था। तो पहला मेथड क्या है, बाई स्प्लिटिंग वेव फ्रंट इनटू टू पार्ट्स थ्रू वेरी नैरो स्लिट्स, पहली चीज तो ये ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इसे। दूसरा तरीका ये है, सब इसे मिटा देते हैं, अगले तरीके के बारे में बात करते हैं। अगर कोई और एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर रख लिया हमने, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, तो इसकी परछाई इसमें जो दिखेगी, इसमें जो ये परछाई दिखेगी, ठीक है, ये लाइट देखो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस की, इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा, क्योंकि ये इसकी परछाई है तो इससे भी जो लाइट निकलेगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी ओमेगा ही होगी, तो ये भी कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा, अ लाइट एंड इट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। अगर इसमें 60 डिग्री का परिवर्तन होगा तो इसकी परछाई में 60 डिग्री का परिवर्तन होगा, तो फेज अगर शुरुआत में फेज डिफरेंस कितना है या शुरुआत में फेज 60 है तो इसका भी 60 होगा, अगर ये बढ़ के 90 हो गया तो भी 90 हो गया, फेज डिफरेंस 90-90 जीरो जो कंडीशन है हमारा। पाथ डिफरेंस अगर इसको 1 मीटर आगे ले आओगे तो ये भी क्या होगा 1 मीटर पीछे चला जाएगा, समझ रहा है, तो पाथ डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा रिलेटिव पाथ डिफरेंस सेम रहेगा, तो वही चीज है। यानी दूसरा मेथड हो गया इमेज एंड इमेज
लाइट सोर्स एंड इट्स इमेज, लाइट सोर्स और इसकी इमेज फॉर्म्ड बाई बाई मिरर विल बी कोहेरेंट। सेम ऐसे ही हम क्या करें, एक लेंस ले लें, वो लेंस और उसकी जो इमेज होगी है ना वो भी कोहेरेंट से होता है। तीसरा मेथड इमेज फॉर्म बाय इमेज फॉर्म बाय मिरर विल बी कोहेरेंट। हाँ, लाइट सोर्स एंड इट्स इमेज फॉर्म बाय बाय लेंस, कौन से लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, इमेज फॉर्म बाय लेंस विल बी ठीक है। दीज आर द सर्टेन मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स। इसमें आप देख रहे हैं हम कोशिश यही रख रहे हैं कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए कि किसी न किसी तरीके से या तो खुद लाइट अपने आप को ही रिप्रोड्यूस करे इमेज के फॉर्म में, या लाइट सोर्स से जो वेवफ्रंट उत्पन्न हो रहा है वो छोटे छोटे छेदों से क्या हो नए वेवफ्रंट बना रहे हैं। जो फ्रिक्वेंसी इसकी होगी यही नए वेव्स की फ्रिक्वेंसी होगी। ये 30 डिग्री चेंज होगा तो इसका भी 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री, यानी पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच अब क्या हो जाएगा, जीरो होगा या कॉन्स्टेंट रहेगा शुरू से लेकर अंत तक। अगर पाथ डिफरेंस शुरू में जीरो है तो अंत में भी जीरो होगा। तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस। अब अगली बात आते हैं कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। कंडीशन फॉर बीइंग कोहेरेंट सोर्स, व्हेन टू लाइट वेव्स कैन बी कोहेरेंट, व्हेन टू लाइट वेव्स कैन बी कोहेरेंट सोर्स। अब तक तो आप समझ चुके हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पहली कंडीशन ये है, पहली अगर हमारे पास दो लाइट सोर्सेस हैं, ये हैं हमारे वाई वन ठीक है, वाई वन दिस इज आवर वाई टू, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी अगर वाई वन इज इक्वल टू हमें इक्वेशन लिखे ए वन साइन ओमेगा टी, तो ये भी ये क्या होना चाहिए ए टू साइन ओमेगा टी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहली चीज द फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लें जो भी आपको अच्छा लगे, फ्रीक्वेंसी उसको टू बाई न्यू की लिखते न्यू की लिखते, या द फ्रीक्वेंसी और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर लिया, should be same for both the waves। कहां से प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस बाय कोहेरेंट सोर्स। दूसरी चीज ये है कि हमने आपको बताया था कि या तो दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे अगर यहां शुरुआत में दोनों के बीच फेज डिफरेंस है तो कितना आ रहा है 5, तो शुरू से लेके अंत तक जहां तक इनको जाना है
फेज डिफरेंस या तो यही रहे या तो फेज डिफरेंस क्या हो जीरो, या तो फेज डिफरेंस फाई हो कांस्टेंट, शुरू से लेकर अंत तक 30 डिग्री है तो इमेज फॉर्मेशन मैक्सिमम मिनिमम बनने तक 30 डिग्री रहे, या तो जीरो है तो शुरू से लेकर अंत तक जीरो रहे, यानी कि बीच में 15 डिग्री हो रहा है, फिर 20 डिग्री हो रहा है, 25 डिग्री, तो उसको आप भले ही फ्रीक्वेंसी उस फेज में सेम हो आप कहेंगे कि लाइट वेव क्या है, लाइट वेव क्या है इनकोहेरेंट है, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन ये है कि द फेज डिफरेंस शुड बी जीरो और कांस्टेंट, ठीक है। तीसरा पाथ डिफरेंस क्या रहता है, द पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो और कांस्टेंट, है ना। तो ये कंडीशंस हैं, कैसे आप जो है गेन कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है कोहेरेंट सोर्सेस के, तो तीन सफिशियंट कंडीशंस हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके आगे इंटरफेरेंस होगा तो जाहिर सी बात है इंटरफेरेंस दो वेव से होगा, जितनी कंडीशन यही होगी, इन दोनों के सुपर पोजिशन से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको हमने आपको सॉल्व करके बताया था कि उस कंडीशन में आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाई, जहाँ कॉस फाई जो होता है उसी को आप इंटरफेरेंस टर्म मानते हैं। कॉस फाई अगर मैक्सिमम हुआ तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कॉस फाई अगर मिनिमम हुआ यानी जीरो हुआ तो उस केस में मिनिमम मिलेगा डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो इसके बारे में आगे हमने डिस्कशन किया हुआ है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है समझने के लिए। आपको मैंने फिर बताया कोहेरेंट सोर्स की क्यों जरूरत है, जरूरत इसीलिए कि इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे कोहेरेंट नहीं होंगे तो जो लाइट वेव प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, आप जानते ही हो चांस की बात हो जाएगी। पहला सोर्स और दूसरा सोर्स बिल्कुल पास पास भी रखोगे तो बिलियंस ऑफ एटम्स हैं जो एक बार में एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, और उनके बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक साथ जंप करके आएंगे ट्यूब पे। तो अब बिलियंस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विजिबल लाइट तो हमेशा निकलेगी, चाहे तीसरे से जंप करके कोई दूसरे पे आए, चाहे चौथे से जंप करके दूसरे पे आए, चाहे 1000वें से जंप करके दूसरे पे आए, चाहे 1 करोड़वें एनर्जी लेवल से जंप करके दूसरे पे आए, चाहे इनफाइनाइट से जंप करके दूसरे पे आए। तो बात मैं वही कर रहा हूँ कि भाई लेकिन हमारे पास फार्मूला आपको याद था ना कि ये एक फार्मूला याद है ना, 1 माइनस आई इज इक्वल टू हमने क्या बताया था, आर इज इक्वल टू 1/n1² - 1/n2² इस केस में देखो वेवलेंथ तो चेंज होगी ना, क्योंकि भले ठीक है n1 नहीं चेंज हो रहा है बट n2 इज चेंजिंग, तो अगर वेवलेंथ चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी है। तो पहले सोर्स में मान लो पहली लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन जो पहली लाइट प्रोड्यूस किया है वो जंप कहाँ से किया है, 800वें से दूसरे पे आया है, और दूसरे सोर्स से ठीक उसी समय 10:01 पे पहले वाले ने जो लाइट में प्रोड्यूस किया वो किसकी वजह से प्रोड्यूस किया है, वो प्रोड्यूस किया है उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो n2 इज इक्वल टू 800 से जंप करके n1 इज इक्वल टू 2 पे आया है, तो विजिबल रेंज में आएगा ठीक 10:01 पे ही, ठीक उसी समय जो हमारा दूसरा सोर्स है बिल्कुल वही है, वही सोर्स वही कैंडिडेट है ना। लेकिन यहाँ पे भी यहाँ जो लाइट वेव प्रोड्यूस हो रहा है चांस की बात है ना कि 1 अरबवें में से हो सकता है वो वाला इलेक्ट्रॉन उस समय आया हो जो n इज इक्वल टू कहाँ से जंप कर रहा हो, 500 से जंप करके 2 पे आ रहा हो, तब भी विजिबल लाइट रे निकलेगा, लेकिन तब आपकी ये फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ चेंज होगा इसलिए फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, और जैसे फ्रिक्वेंसी चेंज होगी आप जानते ही हो कि कोहेरेंट सोर्स रह नहीं जाएगा, क्योंकि सब है कि दोनों लाइट सोर्सेस से जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ्रिक्वेंसी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, कोशिश की कि हर पॉइंट्स को ले लिया जाए।
चलिए फिर मिलते हैं आगे।